केजी से पीजी के जो स्टडी है वो फ्री निशुल्क शिक्षा। घोषणा करने में राहुल गांधी आजकल कमाल का काम कर रहे हैं, बयान बहादुर, घोषणा बहादुर। घोषणा करना है, करना तो है नहीं, तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी पहले यह जवाब दें कि राजस्थान में उन्होंने क्या कहा था, मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में यह फैसला होगा। हुआ क्या, कर्नाटक के प्रचार में क्या बिजली क्या बाकी सब कह गए थे, नौजवानों के लिए रोजगार योजना पहली कैबिनेट में होगा। हुआ क्या, तो राहुल गांधी आपकी सरकार यहां 5 साल से है, तो नई घोषणा कराने के पहले यह तो बताना था कि पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ, कुछ तो बोलते हैं आप, एक शब्द नहीं। कहा था 200 फुट पार्क खोलेंगे, मैं भी घूम रहा हूं हेलीकॉप्टर से गाड़ी से, एक आध फुट पार्क दिखाई पड़ जाए, भाजपा की मीडिया टीम से दूरबीन भी मांगा उससे भी दिखाई पड़ जाए, तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश बंद हो गया है क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहां भूपेश बघेल की अगुवाई में लूट की सरकार चलती है, जो घोटाले होते हैं तो कोई ईमानदार पूंजी निवेश तो होता नहीं। अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम केजी से पीजी फ्री करेंगे। राहुल गांधी जी पहले तो ये बता दीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो घोटाला हुआ है नियुक्ति में, उस पर क्या कहना है? चेयरमैन के बेटे बहू नेताओं के लोग कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब तेंदुपत्ता की घटना पर क्या कहा जाए? हम 4,000 देंगे प्रोत्साहन राशि, भाजपा की सरकार 4,000 से 6,000 दिया करती थी बोनस के साथ। पूरे तेंदुपत्ता की खरीदगी से अपने आदिवासी समाज के लोगों को फायदा होता है कि नहीं, वो क्या नहीं दिया, क्यों नहीं हुआ? मुझे बताया गया है कि एक अपनी आदिवासी माता जी का, वो अपने पत्तों को लेकर जा रही थी महाराष्ट्र बेचने के नंगे पैर, वो वीडियो काफी वायरल हुआ है। ये आपकी स्थिति जो है, तो आप नए नए घोषणाओं की बात करते हैं, पुरानी घोषणाओं का प्रदेश हिसाब मांगता है और हम भी मांगते हैं, कभी दीजिएगा। आप आदिवासियों की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की पहली बड़ी ही गरिमामय आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया, क्यों विरोध किया था आपने? आप बात करते हैं दलित के शक्तिकरण की, एक बहुत ही योग्य गरिमामय दलित नेता आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, क्यों आपने विरोध किया था? और राहुल गांधी जी, आप तो कम से कम जातीय जनगणना की बात करिए नहीं, इस खेल में आप नए गए हैं। मैं बिहार से आता हूं, नीतीश कुमार ने कान में कुछ कनफूकी दिए, राहुल गांधी कुछ होमवर्क तो करते नहीं। और ये बात मैं नई नहीं कह रहा हूं, मैं लोकसभा में बोल चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, तो उनको जो भी चिट पकड़ाता है वो चिट पकड़ लेते हैं। कभी सावरकर के नाम पर चिट है, मैं सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। कभी राफेल की चिट पकड़ा दी गई, दोनों में देश में एक्सपोज हो गए। आजकल जातीय जनगणना की चिट उनको पकड़ा दी गई है। राहुल गांधी जी, जातीय जनगणना पर बोलने के पहले मेरा एक सवाल सुनिए, इसका जवाब दीजिए। जातीय जनगणना आपके परिवार के ऊपर लागू होगी कि नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी के ऊपर हिम्मत है? अब तो आपके परिवार में ही कंपटीशन बढ़ रहा है सोनिया जी, उसके बाद आप आए। आजकल आपके नेता बहन जी को अधिक ले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब भूपेश जी ने आपकी बात नहीं मानी तो उन्होंने बहन के साथ अपना साझा कर लिया। तो राहुल गांधी जी, इस तरह की बातें करने के पहले पर ये बताइए, आपके यहां, आपके अंदर, क्षमा करें राहुल गांधी, आपकी क्षमता क्या है देश जानता है। आप वहां इसीलिए हैं कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, नेहरू जी के परपोते हैं,
तो ये जब परिवार का सिलसिला है, ये जनगणना होगी तो लागू होगा आपके यहाँ। हमें गर्व है कि 85 हमारे एमपी भाजपा के लोकसभा के सदस्य पिछड़े समाज के हैं। सबसे अधिक संख्या में विधायक पिछड़े समाज के हैं। सबसे बड़ी संख्या में हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि सरपंच मुखिया पिछड़े समाज के हैं। अनेकों मुख्यमंत्री पिछड़े समाज के हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के नेता हैं, वो भी पिछड़े समाज के हैं। हम तो करके दिखाते हैं ना, सम्मान से आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल गांधी जी, इस नए खेल में आप गए हैं जातीय जनगणना में, तो ये सवाल भाजपा की ओर से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जनगणना होगी तो इसका नतीजा आपके परिवार पर लागू होगा कि वहां भी आप नहीं, मैं तो इससे अलग हूं। जैसे खरगे साहब तो हैं, अध्यक्ष तो आपने बना दिया, लेकिन खरगे साहब की कितनी सुनवाई होती है तो आप सभी जानते हैं। ये आपका निजी विषय है, लेकिन अगर नीतीश कुमार का मॉडल की बात आप करते हैं तो वहां अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया है। नीतीश कुमार की जनगणना में मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को अगड़ों में भी जोड़ा गया है, पिछड़ों में जोड़ा गया, अति पिछड़ों में जोड़ा गया है। धर्म के नाम पर नहीं हुआ करता था, पूजा पत्ती के नाम पर नहीं हुआ करता, क्योंकि यही आपका मॉडल है। यही आपका मॉडल है तो हमारा जबरदस्त विरोध है। जैसे यहां धर्मांतरण हो रहा है, इसका सीधा परिणाम इस प्रदेश के आदिवासी